नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक न्योता है आपके फेवरेट वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी के 200 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं। एक साप्ताहिक शो के 200 एपिसोड बड़ा मील का पत्थर होते हैं। ये मुमकिन हुआ क्योंकि आपने इस प्रोग्राम पर और लल्लन टॉप पर भरोसा जताया। कितने ही दर्शक हमें मिलते हैं देश दुनिया में जो कहते हैं कि उनकी राजनीति में दिलचस्पी या समझ या जागरूकता बढ़ी है नेता नगरी की वजह से। इस प्रोग्राम को लाइक करने की सबकी अलग अलग वजह हैं। किसी को कोई पैनलिस्ट पसंद आता है तो किसी को कोई डिस्कशन। अब इस वजह को, इस पसंद को एक नए मकाम पर ले जाने का वक्त आ गया है। नेता नगरी का ये 200वां एपिसोड हम अपने दर्शकों के साथ उनके सामने शूट करना चाहते हैं। आप इसका लाइव हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको इस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर क्लिक करना होगा और अपने आप को रजिस्टर करना होगा। 2 अगस्त के रोज दिल्ली में होगा ये नेता नगरी महोत्सव, जहां पर क्विज होगी, संवाद होगा, आपके सवालों के जवाब होंगे और होगा राजनीति पर खुला खिला डिस्कशन। चलिए अब मुख्य कार्यक्रम शुरू करते हैं। उन लोगों को रोजगार मिल गया, दिहाड़ी मिल गई, जिनका काम है कमेंट बॉक्स में लिखना कि गुरु असली एपिसोड फलाने मिनट और सेकंड से शुरू होता है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम है दुनियादारी। दुनियादारी में सबसे पहले एक टीवी क्लिप देखिए। Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. 26 जुलाई 2023 को ये नजारा वेस्ट अफ्रीका में बसे नाइजर के स्टेट टीवी पर दिखा। नाइजर को नाइजीरिया से कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों अलग अलग देश हैं। याद रखने के लिए, नाइजर में फ्रांस, नाइजर जो था वो फ्रांस का उपनिवेश था, जबकि नाइजीरिया ब्रिटिश उपनिवेश था। हालिया मामला कुछ ऐसा है कि नाइजर में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। पहले राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को हिरासत में लिया, फिर अहम ठिकानों पर वफादारों का पहरा बिठाया, फिर सरकारी चैनल पर ऐलान किया कि मुल्क का निज़ाम बदल चुका है, अब से हम राजा हैं, हमारे सामने सर झुकाना पड़ेगा। घटनाओं का ये क्रम तख्ता पलट करने वालों की रूल बुक का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। नाइजर में जो हुआ वो पहले भी 3 दफा हो चुका है और जिस इलाके में नाइजर है उधर तो दसियों बार। तख्ता पलट उनके रूटीन का हिस्सा है। मसलन 23 जनवरी 2022 को बुर्किना फासो में सेना ने राष्ट्रपति रोज कबोरे को सत्ता से बेदखल किया, फिर अंदरखानी विद्रोह हुआ और 8 महीने बाद सेना के दूसरे धड़े ने एक और तख्ता पलट कर दिया। अगस्त 2022 में माली में भी ऐसा ही हुआ, सेना ने राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता की सरकार गिरा दी। अप्रैल 2021 में चार्ड में ऐसा हुआ, राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मौत के बाद उनके बेटे और सेना में जनरल महामत डेबी ने सत्ता हथिया ली। कानूनन संसद के स्पीकर को राष्ट्रपति बनाया जाना था, महामत ने अभी तक चुनाव भी नहीं होने दिया है। गौर करिए, ये तारीखें 2020 से अब तक की हैं। पिछले 3 साल में सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में कम से कम 9 बार तख्ता पलट की कोशिश हो चुकी है। अधिकतर मामलों में तख्ता पलट सफल रहा। इसी वजह से इस इलाके को अंग्रेजी में कू बेल्ट का नाम दिया गया और इस कू बेल्ट का लगातार विस्तार हो रहा है। कू COUP, ये अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है तख्ता पलट। नाइजर में नया क्या हुआ, बस इतना कि कभी तख्ता पलट को अपना हथियार बनाने वाले पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और फ्रांस दुखी हो गए। और इस दुख की वजह क्या है और नाइजर की घटना क्या गुल खिलाने वाली है, इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करते हैं किसी भी देश या घटना को जानने के लिए। शुरुआत भूगोल से। नाइजर अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिम में पड़ता है। हर दिशा में जमीन है इसके पड़ोस में, यानी ये लैंड लॉक्ड कंट्री है जैसे नेपाल या फिर अफगानिस्तान। कुल 7 देशों से नाइजर की सीमा लगती है, नाइजीरिया, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और बेनिन। नाइजर साहिल रीजन का भी हिस्सा है। अब ये साहिल क्या है, ये अरबी भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है तट या किनारा। सहारा रेगिस्तान और सवाना के घास के मैदान के बीच के इलाके को ये नाम दिया गया है। इसका पूर्वी किनारा लाल सागर जबकि पश्चिमी किनारा अटलांटिक सागर से मिलता है। बीच में सूडान, चाड, नाइजर, माली और मॉरिटियाना का अधिकांश हिस्सा पड़ता है साहिल में।
बाकी कई देशों के थोड़े बहुत इलाके भी इस रीजन में माने जाते हैं। लोकेशन और डेमोग्राफी की वजह से नाइजर साहिल के सबसे अहम देशों में गिना जाता है। नाइजर का नामकरण इसी नाम से बहने वाली नदी पर हुआ। 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी नाइजर अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है नील और कॉन्गो के बाद। ये नदी गिनी से निकलकर माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया होते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। नाइजर की आबादी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें 98% लोग इस्लाम को मानते हैं, बाकी में ईसाई और दूसरे धर्म के लोग आते हैं। यहाँ के मुसलमानों में भी भारत की तरह दो प्रमुख संप्रदाय हैं, 93% मुस्लिम सुन्नी हैं, 7% शिया। यहाँ की करेंसी का नाम है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। एक भारतीय रुपये में 7 फ्रैंक से ज़्यादा मिलते हैं यहाँ की मुद्रा में। नाइजर की राजधानी का नाम है नियामे। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। नाइजर में भारत का दूतावास यहीं पर है। भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक राजदूत की कुर्सी अभी खाली है। टाइम जोन की बात करें तो भारत से नाइजर 4.5 घंटे पीछे है। जब भारत में रात के 10 बजते हैं, तब नाइजर में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। एक फैक्ट और जानिए, जब अमरीका और ब्रिटेन इराक पर हमला करने का बहाना खोज रहे थे, तब कहा गया कि सद्दाम हुसैन वेस्ट अफ्रीका के एक देश से यूरेनियम खरीद रहा है ताकि इराक में परमाणु बम बना सके। वेस्ट अफ्रीका का वो देश नाइजर ही था। इतिहास के चैप्टर में सबसे पहले कुछ बुनियादी जानकारी। ईसा पूर्व का इतिहास है। तुआरेग साम्राज्य था ईसा से 4-5 सदी पहले का। बाद में यहाँ पर कौन कौन से साम्राज्य आए, यहाँ पर आया घाना साम्राज्य, फिर यहाँ पर आया माली साम्राज्य और शोंगाई साम्राज्य। इस्लाम भी अपनी स्थापना के बाद सबसे पहले जिन देशों में पहुँचा उनमें से एक नाइजर था। पर मध्यकाल से आप इसका इतिहास समझेंगे तो आपको मौजूदा पृष्ठभूमि ज़्यादा स्पष्ट होगी। 1591 का साल था जब मोरक्को ने शोंगाई साम्राज्य को हरा दिया और टिम्बकटू को राजधानी बनाया। ये शब्द आपने खूब सुना होगा। टिम्बकटू आज की तारीख में माली में पड़ने वाला शहर है। नाइजर में क्या हुआ, ये छोटे छोटे साम्राज्यों में बट गया, एकजुटता नहीं थी। और फिर आया वो दौर जब यूरोप के बहुत सारे मुल्क एशिया में, अफ्रीका में अपने उपनिवेश बना रहे थे, उन्हें गुलाम बना रहे थे। ऐसे में 1890 में फ्रांस वेस्ट अफ्रीका में अपने पांव पसार रहा था। उसकी नज़र नाइजर पर थी और 1899 में फ्रांस ने पहली कोशिश की और 1905 में फ्रांस की मिलिट्री टेरिटरी का ये हिस्सा बन गया। इस टेरिटरी में नाइजर के अलावा माली और बुर्किना फासो के इलाके भी थे। 1922 में फ्रांस ने नाइजर को पूरी तौर पर मुकम्मल कॉलोनी का दर्जा दे दिया। फिर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और इसके बाद नाइजर में भी आज़ादी की मांग उठी। 1946 में फ्रांस ने स्थानीय लोगों को कुछ हक दिए, उन्हें फ्रांस की संसद में प्रतिनिधित्व भी मिला। पर इसका फायदा चुनिंदा एलीट क्लास के लोगों को मिला जो फ्रांस के प्रति वफादारी रखते थे, पर आम जनता आज़ादी पर अड़ी रही और आखिरकार 1960 में नाइजर को पूरी आज़ादी मिल गई। हमानी डियोरी पहले राष्ट्रपति बने। 14 बरस तक उनका शासन चला। उन्होंने एक दलीय व्यवस्था रखी, यानी उन्होंने विपक्ष की गुंजाइश नहीं रखी। इस दौरान करप्शन, दमन, भूख, सूखा और दूसरी समस्याएं जमा होती गईं। 1968 में देश में अकाल पड़ा, जनता भूख से मरने लगी। एक रोज़ पता चला कि डियोरी के मंत्रियों के घर पर अनाज की बोरियां रखी हैं। जनता इससे भड़क गई और तब इसका फ़ायदा उठाया मिलिट्री जनरल सेओनी काउंशे ने। 1974 में सेना ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया। ये सेना का कब्जा चलता रहा। 1991 के साल में सिविलियन शासन वापस लौटा और पहली दफा नाइजर में मल्टी पार्टी इलेक्शन हुआ, यानी सत्ता पक्ष विपक्ष सबके लिए गुंजाइश बनी। पर उसी साल उत्तरी इलाकों में भयानक अकाल पड़ा और इन सब के बीच तुआरेग कबीलों ने, मैंने आपको बोला था ईसा से भी पहले के कबीले, इन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए 1996 में सेना ने सरकार की कमान फिर अपने हाथ में ले ली। 1999 में सेना गई, 3 बरस के बाद सिविलियन सरकार आई, मोहम्मद तंजा राष्ट्रपति बने। अब 10 बरस तक सब ठीक रहा, कुछ स्थायित्व आया, लेकिन मई 2009 में तंजा ने नेशनल असेंबली भंग कर दी। दरअसल दिसंबर 2009 में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, पर वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जिसको मौका मिले वही तानाशाह बनना चाहे। जनमत संग्रह करवा के उन्होंने अपना कार्यकाल बढ़वा भी लिया, पर विपक्ष इस पर नहीं माना। फरवरी के महीने में हजारों लोग राजधानी में प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए और उन्होंने सेना से हस्तक्षेप की अपील की। 18 फरवरी 2010 की दोपहर सेना ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर हमला कर दिया। तनेजा एक मीटिंग में थे, उन्हें वहीं से उठा लिया गया और कुछ वक्त बाद सत्ता बदलने का औपचारिक ऐलान भी हो गया।
सेना ने नया संविधान बनाया, 2011 में चुनाव करवाए और मोहम्मद इसोफू राष्ट्रपति बने। भूगोल और इतिहास यहां पर अब समाप्त होता है, अब पॉलिटिकल सिस्टम समझिए। नाइजर 2010 में बने संविधान के हिसाब से चल रहा है, मतलब 26 जुलाई तक तो चल रहा था। फिर क्या हुआ, सेना ने चौथी बार लोकतांत्रिक सरकार को कुर्सी से उतार दिया, फिर संविधान भंग कर दिया। Toutes les institutions ici de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. आपने ऐलान सुना, मिलिट्री कू ने तीन अहम ऐलान किए। पहला, संविधान और सरकारी संस्थाएं भंग की जा चुकी हैं। दूसरा, सेना मुल्क को मैनेज कर रही है। और तीसरा, दूसरे देश हमारे मामले में दखल ना दें। इस ऐलान का मतलब क्या है, चार मायने निकलते हैं। पहला, मोहम्मद बजूम 2021 के चुनाव में जीतकर राष्ट्रपति बने थे, पिछली सरकार में गृहमंत्री थे। नाइजर के इतिहास में पहली बार सत्ता का हस्तांतरण लोकतांत्रिक तरीके से हुआ था। उनका कार्यकाल 2025 में खत्म होने वाला था, सबसे पहले उन्हें हटाया गया, यानी नाइजर में लोकतंत्र कायम रखने की गुंजाइश खत्म हो गई। दूसरा, तख्तापलट से पहले तक नाइजर में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता था, यानी स्टेट और कार्यपालिका की कमान राष्ट्रपति के पास जबकि सरकार की कमान प्रधानमंत्री के पास। नाइजर में प्रधानमंत्री के पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। प्रधानमंत्री संसद के बहुमत दल का नेता और राष्ट्रपति जनता के डायरेक्ट वोट से चुना, ये व्यवस्था फिलहाल अस्तित्व में नहीं है। तीसरा, पूरा कंट्रोल सेना के पास, स्टेट टीवी पर कब्जा हो चुका है। नाइजर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और हवाई क्षेत्र को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। बजूम की मौजूदा स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो लोग तख्तापलट के विरोध में इकट्ठा हुए थे, उनके ऊपर सेना ने गोलीबारी की। माना जा रहा है कि सेना प्रोटेस्ट को बुरी तरह कुचलेगी और उनके दमन का दायरा पता भी नहीं चलेगा। चौथी बात, कू के लीडर्स ने साफ कर दिया कि वे बाहरी दखल को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। 26 जुलाई की सुबह अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन न्यूजीलैंड जा रहे थे, फोन पर बजूम से बात की, कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, हम साथ देंगे। पर जब तख्तापलट की बात साफ हो गई, तब ब्लिंकन ने एक और बयान दिया, बजूम को रिहा करने की मांग की। We are very closely monitoring the situation and developments in Niger. I spoke with President Bazoum earlier this morning and made clear that the United States resolutely supports him as the democratically elected president of Niger. We call for his immediate release. We condemn any effort to seize power by force. We're actively engaged with the Niger government, but also with partners in the region and around the world. Will continue to do so until the situation is resolved appropriately and peacefully. नाइजर के मिलिट्री लीडर्स ने इसी वजह से बाहरी दखल को रेखांकित किया। जानकारों का कहना है कि बजूम को पश्चिमी देशों का करीबी माना जाता है, उनके जाने से साहेल रीजन में उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है। इसे बचने के लिए वे मिलिट्री ऑपरेशन भी चला सकते हैं। हालांकि अभी तक इस तरह की कार्रवाई के कोई संकेत नहीं मिले हैं। अब ये समझ लेते हैं कि नाइजर में अमरीका और दूसरे पश्चिमी देशों की दिलचस्पी की वजह क्या है। पांच वजहें हैं। पहली, साझा हित। फ्रांस ने लगभग 6 दशक तक नाइजर पर शासन किया। फ्रेंच वहां की आधिकारिक भाषा, 7,000 से ज्यादा फ्रेंच लोग नाइजर में रहते हैं। दशकों के शासन के बाद व्यापारिक हित जुड़ गए। अपनी जरूरत की यूरेनियम के लिए फ्रांस नाइजर पर निर्भर है। दूसरी वजह, हाल के वर्षों में साहिल का इलाका इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों की सबसे बड़ी पनाहगाह बनकर उभरा। इराक और सीरिया से खदेड़ जाने के बाद अफ्रीका में अड्डा जमाया, वहीं से लोगों को रिक्रूट करते हैं, दुनिया भर में भेजते हैं। यूरोप अमेरिका के लिए खतरा है। तीसरी बात, सहारा के रास्ते यूरोप में घुसने वाले अवैध शरणार्थियों को रोकने में यूरोपियन यूनियन नाइजर का सहारा लेता है। ब्रिटिश अखबार गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2020 के बीच ईयू ने मदद के नाम पर नाइजर को 13,000 करोड़ रुपए भी इसलिए दिए थे। ज्यादातर पैसे का इस्तेमाल अवैध शरणार्थियों को रोकने के लिए किया गया। चौथी वजह, साहिल के इलाके में नाइजर पश्चिमी देशों का इकलौता सहयोगी था। पड़ोस के बुर्किना फासो और माली में तख्तापलट के बाद फ्रेंच सेना को निकलने के लिए कहा गया। फ्रांस ने इस इलाके में आतंकियों से लड़ने के लिए सेना उतारी। निकाले जाने के बाद नाइजर में बेस बनाया। अब ये बेस उनसे छिन सकता है। पांचवी बात, सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में रूस के वैगनर ग्रुप की पकड़ मजबूत हो रही है। जिन देशों में तानाशाही सरकारें हैं, वहां वैगनर को मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। कई देशों में उनके लड़ाके संसाधनों की लूट से लेकर मानवाधिकार हनन तक शामिल है। इससे पश्चिमी देशों का हित संकट में पड़ता है, जिसे काउंटर करने के लिए नाइजर में खूब पैसा बहाया। 2012 के बाद से अकेले अमेरिका ने नाइजर में लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए। दिलचस्प ये कि जिस समय नाइजर में तख्तापलट को लेकर बवाल मचाया, उसी समय रूस में रशिया अफ्रीका समिट चल रही, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देशों की लानत मलानत कर रहे हैं और अनाज का संकट दूर करने का वादा भी, जो ब्लैक सी ग्रेन डील के टूटने से पैदा हुआ। हमने इस डील के बारे में विस्तार से आपको दुनियादारी में बताया था। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाइजर की घटना ने पश्चिमी देशों को सकते में डाल दिया। उनके पास अगला कदम उठाने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। ये तो रही कहानी नाइजर में हुए तख्तापलट की।
अब जान लेते हैं कि अफ्रीका के देशों में ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है, वजह क्या है। पहली वजह खराब अर्थव्यवस्था और फेल होते लोकतंत्र से जुड़ी है। जानकारों के मुताबिक इसकी जड़ में जाने के लिए आपको इतिहास का रुख करना होगा। जब ये देश आज़ाद हुए तब सत्ता पुराने शासकों के स्थानीय वफादारों के पास आई सोच नहीं बदली, आम लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व देने से बचने लगे, खुद को आजीवन भर के लिए शासक मान लिया। इसकी वजह से वंशवाद और करप्शन की समस्या पैदा हुई, शासक तानाशाही में बदलने लगे, लोगों की बुनियादी समस्याएं बढ़ती रहीं जो आगे चलकर आक्रोश में बदली। सेना ने असंतोष का बार बार फायदा उठाया, चुने शासकों से निराश हुए तो सेना को मुक्तिदाता मानने लगे। दूसरी वजह आतंकवाद से लड़ने में विफलता, साहेल के इलाके में आतंकवाद बढ़ा है। बोको हरम, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों ने अराजकता फैला रखी है, लेकिन सरकार ने उससे निपटने में नाकाम रही। कुछ देशों ने विदेशी सेनाओं से मदद मांगी पर इससे मामला और बिगड़ा। फिर दो चीज़ें और हुई, एक तो ये कि लोकल लोगों को फिर से गुलामी वाली फीलिंग आई, वो विदेशी सेनाओं को आक्रांता मानने लगे। दूसरा, संबंधित देशों की सेनाओं का मनोबल गिरा, उन्होंने अपनी ही सरकार पर भरोसा करना छोड़ दिया। तीसरी वजह विदेशी प्रभुत्व से जुड़ी है। कोल्ड वॉर के दौर में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वर्चस्व की लड़ाई चली जिसका असर अफ्रीका में दिखा। दोनों महाशक्तियां अपने पसंद की सरकार बनवाने के लिए सारे तिकड़म भिड़ाने लगी। उस दौर में खूब तख्तापलट देखने को मिले। 1960 और 70 के दशक में अफ्रीका में हर 55 दिन में एक तख्तापलट होता था। सोवियत संघ टूटा तो रूस आगे आया और पिछले कुछ वक्त में पुतिन ने सोवियत संघ वाले दिल लौटाने की कोशिश शुरू की। इस कोशिश में अफ्रीकी देशों को अपने पाले में खींचना भी शामिल है। जिस भी शासक या शासक बनने के इच्छुक को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या दूसरे मसलों पर मदद की जरूरत होती है वो अपने हिसाब से पार्टनर चुनता है। उनकी डिप्लोमेसी का यह हिस्सा है जिसका बीतना हाल फिलहाल संभव नहीं दिखता है। दुनियादारी आज का यहाँ समाप्त हो जाता है, लेकिन उससे पहले कुछ विचार करिए। पहला विचार तो ये है कि अफ्रीका में या यूरोप में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ उन देशों की या उन महाद्वीपों की बात नहीं है, पूरी दुनिया आपस में जुड़ी है। किसी के यूरेनियम के हित हैं, किसी के व्यापारिक हित हैं, कोई इस्लामिक आतंक को बढ़ावा देने वाली शक्तियों के साथ गठजोड़ कर रहा है, बोको हरम के साथ या इस्लामिक स्टेट के साथ गठजोड़ कर रहा है। ऐसे में दुनिया की जानकारी रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये जानकारी रखना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि आपके अपने देश में लोकतंत्र मजबूत रहे, आपको पता चले कि ये कितनी मुश्किल से आया है। इसको कायम रखना, अपनी सरकारों से लगातार प्रश्न पूछना, अपनी संस्थाओं को सेना समेत जवाबदेह रखना कितना जरूरी है। लोकतंत्र की मजबूती इसलिए भी जरूरी है ताकि विदेश में होने वाली घटनाओं का उदाहरण लेकर हम अपने देश में हूबहू वैसे ही तर्क ना बुने। हम याद रखें, लोकतंत्र वो व्यवस्था है जिसमें सिर्फ संख्या बल के आधार पर काम नहीं होता, जिसमें नीति का ख्याल रखा जाता है। लोकतंत्र वो व्यवस्था है जिसमें मत से न्याय नहीं होता है, जिसमें संप्रभुता जनता की होती है और तभी देश की होती है। दुनियादारी प्रोग्राम करने के पीछे भी यही विचार रहता है, दुनिया भर की खबरों के बारे में जानें और उससे देश की, दुनिया की अपनी समझ बेहतर करें। खबरों का अंतर्राष्ट्रीय ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।